हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज बडी में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ माध्यमिक परीक्षा 2020 के रूटीन अनाउंस हो चुकी है उसी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर एग्ज़ाम 3 घंटा का होता है। यहाँ सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि एग्ज़ाम कब स्टार्ट हो रहा है। एग्ज़ाम दोस्तों स्टार्ट हो रहा है 2020 में 18 फरवरी 2020 से, वो दिन है मंगलवार। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 11:45 AM to 3 PM। ठीक है दोस्तों, 11:45 से लेकर 3 बजे तक होगा ये एग्ज़ाम। 3 घंटा का पेपर है, 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा और 3 घंटा लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए एग्ज़ाम के रूटीन के बारे में बात कर लिया जाए। तो सबसे पहला एग्ज़ाम होगा फर्स्ट लैंग्वेज का, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उसका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगा। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तब से एग्ज़ाम देंगे उसका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, या जो बंगाली मीडियम में पढ़ते हैं उसका फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली होगा। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज है 19 तारीख को सेकेंड लैंग्वेज, जो ठीक है दोस्तों, सेकेंड लैंग्वेज जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनका सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश होगा, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उसका हिंदी होगा, और जो बंगाली मीडियम में पढ़ते हैं उसका इंग्लिश होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 19 के बाद 20 फरवरी को ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है। उसके बाद 20 के बाद 21 को छुट्टी दिया गया है, 21 को नहीं होके 22 फरवरी को होगा। 22 फरवरी को हिस्ट्री के लिए एक दिन समय दिया गया है। ठीक है, 22 के बाद सैटरडे है, 22 तारीख सैटरडे, संडे को छुट्टी रहता ही है। 22 के बाद सीधा 24 को एग्ज़ाम है, 24 फरवरी को है मैथ का एग्ज़ाम। मैथ के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों सिर्फ एक दिन दिया गया है, जैसे हर साल होता है। उसके बाद 24 फरवरी के बाद 25 फरवरी को फिर एग्ज़ाम है, 25 फरवरी को फिजिकल साइंस का एग्ज़ाम है। उसके बाद 25 के बाद 26 फरवरी को है लाइफ साइंस का एग्ज़ाम है। 25 के बाद 26 फरवरी के बाद 27 फरवरी को दोस्तों ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट, वैसे तो ये एग्ज़ाम होता नहीं है, तो आपका 26 फरवरी तक ही एग्ज़ाम होगा। तो यही था दोस्तों माध्यमिक के इस साल का रूटीन, इस साल मतलब 2020 का रूटीन यही था माध्यमिक का। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट माध्यमिक परीक्षा के लिए दोस्तों। अगर और ये दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और टीचर्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।